पालक टोफू घर में बनाना है एकदम आसान। इसे बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 40 मिनट और 200 ग्राम टोफू, एक बंच पालक, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, दो सूखी लाल मिर्च, एक दो बड़े चम्मच काजू का पेस्ट, एक प्याज, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काला नमक, एक छोटा चम्मच जीरा, 5-6 लहसुन के पीस, 5-6 बड़े चम्मच तेल, 4-5 बड़े चम्मच बादाम का दूध, पानी। सबसे पहले पालक को मीडियम पीसेस में काट ले और एक प्याज को बारीक काट ले। टोफू को भी मीडियम पीसेस में काट ले, साथ ही लहसुन और अदरक को भी बारीक काट ले। अब एक पैन में ले एक ग्लास पानी और कटी हुई पालक, और कटी हुई पालक को ढककर सिर्फ 5 मिनट तक उबालें। पालक बहुत ही जल्दी पक जाती है। इसका एक्स्ट्रा पानी निकालकर सिर्फ 1 कप पानी डालकर इसे ग्राइंडर में पीस लें। एक पैन में ले 5-6 बड़े चम्मच तेल के और इसमें कटा हुआ टोफू शैलो फ्राई कर लें। टोफू के हल्के ब्राउन होने पर इसे निकाल लें। अब इसी ऑयल में डालें कटा हुआ लहसुन और अदरक और भून लें, और डालें एक छोटा चम्मच जीरा। इसमें मिलाएं कटे हुए प्याज और 2 सूखी लाल मिर्च और अच्छी तरह से भून लें। जब ये प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें मिलाएं पिसी हुई पालक और 10 मिनट तक पकाएं। साथ ही मिलाएं 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और मिक्स कर लें। साथ ही डालें आधा छोटा चम्मच काला नमक और डालें 2 बड़े चम्मच काजू का पेस्ट और 4-5 बड़े चम्मच बादाम का दूध। साथ ही डालें 200 ग्राम टोफू। ऊपर से डालें 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और मिक्स कर लें। और तैयार है पालक टोफू।